हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक और कहानी, पाठ नंबर 7, एक दूसरे की मदद करो। बच्चों, चित्र पर आधारित गतिविधियां देखिए, उपयुक्त चित्रों को देखिए और बताइए कि ये किस चीज के पेड़ हैं। बताइए इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों, तथा ये किस मौसम में आते हैं। तो चलिए बच्चों, अब पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, पाठ में बताया गया है कि आम के पेड़ ने किस तरह एक मधुमक्खी की सहायता की, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम और आम पड़ोसी पेड़ थे। दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। नीम का पेड़ आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे और घने होने पर बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर से कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई, मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए उसकी सहायक मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहां भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख। एक दिन दोपहर के समय में दो तीन आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ का भी कुछ डाले काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहाँ छत्ता है, हमें काट खाएंगी मधुमक्खियाँ। नीम का पेड़ उसकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। वह रोते हुए अपने पड़ोसी पेड़ से बोला, आम भाई, मुझे बचा लो। वह रानी मधुमक्खी से भी बोला, रानी मधुमक्खी, आप एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना लो। रानी मधुमक्खी भुनभुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊ छत्ता, जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम का पेड़ फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां पेड़ काटने आए लोगों पर टूट पड़ी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। कभी ना भूलो कि एक दूसरे की मदद करने से ही जीवन में सुख मिलता है। तो बच्चों, कैसी थी ये कहानी? आपको अच्छी लगी? और इससे आपको क्या सीख मिली, मुझे बताइएगा। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब करते हैं ज्ञानवर्धक तथ्य। नीम इंडिका, जिसे नीम या मानग्रोसा भी कहा जाता है, महोगनी परिवार मेलियासी का तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। नीम को एक औषधीय पौधे के रूप में, जैविक कीटनाशकों के स्रोत के रूप में और इसकी लकड़ी के लिए जाना जाता है। अब विचार मंथन। क्या होता अगर नीम का पेड़ मधुमक्खी का छत्ता बनाने देता? अब देखते हैं सटीक जानकारी। आम अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन, हितकारी तथा विशाल वृक्ष है, जो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक
3000 फुट की ऊंचाई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक अधिकता से होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। एक और सटीक जानकारी, गुजरात के वडोदरा जिले में कई गांवों के किसान आम की ऐसी किस्मों की खेती करते हैं जो कि बारहमासी हैं। उनके बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए रहते हैं। अब बात पते की, मधुमक्खियां विनम्रता और शांति से बात करना पसंद करती हैं। अब विचार मंथन, अगर मधुमक्खियां आदमियों को नहीं काटती तो क्या होता, सोचिए और जवाब दीजिए। अब ज्ञानवर्धक तथ्य, जब तक वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट के एक बंदरगाह शहर कालीकट में नहीं उतरे तब तक यूरोपीय लोगों को आम के फल के बारे में पता ही नहीं था। पुर्तगाली में मलयालम शब्द मंगा को अपनाया। इन्होंने तब अपने ब्रिटिश मित्रों को एक पत्र लिखा था कि उन्हें भारत में एक नया फल मिला है जिससे मंगा कहा जाता है। क्योंकि टाइपराइटर नहीं थे और पत्र हाथ से लिखा गया था, अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर आम कर दिया, क्योंकि अधिकांश पुर्तगाली शब्द ओ में समाप्त होते हैं। यह नया शब्द जल्द ही अंग्रेजी शब्दावली में प्रवेश कर गया। अब पढ़ते हैं शब्द वाटिका। सुहाती, पसंद, टू लाइक, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट, प्यार, स्नेह, लव, शुरू, आरंभ, स्टार्ट, मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का औजार, एज। तो बच्चों, आज पार्ट यही खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले ही पार्ट में। बाय बाय।